खबर सबसे पहले बुलंदशहर से, जहां पर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला किया गया है ग्रामीणों के जरिए। तो ग्रामीणों ने हमला किया है पूरी की पूरी टीम पर, जहां पर विद्युत कर्मचारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो टीम के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। बता दें कि हमले में जेई समेत 4 संविदाकर्मी घायल हुए हैं। तो बुलंदशहर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बता दें कि घटना खुर्जा कोतवाली नगर गांव उस्मानपुर की है, जहां पर विद्युत कर्मचारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस दौरान 4 विद्युत कर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने टीम के वाहनों को भी तोड़ दिया। हमले में विद्युत जेई समेत 4 संविदाकर्मी घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां पर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ही ग्रामीणों ने इस दौरान हमला कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप है इन ग्रामीणों पर। कहा जा रहा है कि टीम के वाहनों में भी तोड़फोड़ यहां पर की गई है। और समीर अली हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। समीर, आखिरकार ये मामला है क्या, और जिस तरह से फिलहाल जो खबर मिल रही है कि टीम पर हमला किया गया है, क्यों इन ग्रामीणों के जरिए कदम उठाया गया? तो आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर के एक गांव का मामला है, जहां विद्युत विभाग की टीम सुबह ही सुबह निकली थी छापेमारी करने के लिए कि चोरी की लाइट पर कंट्रोल किया जाए। और जैसे ही विद्युत विभाग की टीम पहुंचती है गांव में, ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया, और देखते ही देखते आंदोलन उग्र में बदल गया, और फिर तोड़ फोड़ और दौड़ा दौड़ा के पीटम पाट बहुत ज्यादा वहां पर बवाल हुआ, जिसके बाद जो 4 कर्मचारी हैं उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जेई समेत 4 जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो उपचार में है। उसके बाद जैसे ही वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित कार्रवाई ग्रामीणों के खिलाफ की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन समीर, क्या कुछ ग्रामीणों से आपकी बात हो पाई है, क्या असल में उनकी तरफ से कुछ पता चल पाया है कि वाकया क्या था? जैसे कि आप बता रहे हैं बिजली चोरी के मामले को लेकर जब कार्रवाई करने गई थी टीम, तो उन्हीं पर हमला किया गया, क्या इसी से इनका गुस्सा था और इसी के चलते यहाँ पर पिटाई कर दी? बुलंदशहर के अंदर ऋतु आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लाइट वालों के साथ इस तरह के बदतमीजी मार पिटाई की जाती है। दरअसल जो गांव के जो इनकी रूरल एरिया है जनपद बुलंदशहर के, वहाँ पर ज्यादातर कनेक्शंस नहीं है लोगों के पास, और जो विद्युत विभाग है वो लोग भी चलकर पहल नहीं करते कि लोग कनेक्शन लगाएं या फिर कोई उनको सब्सिडी दी जाए या कोई छूट दी जाए, जिसके चलते गांव वाले भी मीटर लगा पाए। तो ज्यादातर जो गांव के रूलिंग एरिया है बुलंदशहर के, वहाँ पर मीटर न होने की वजह से इस तरह के हालात आए दिन सामने आते हैं, और ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण अभी कोई सामने नहीं आया, सभी लोग जो मामले में शामिल थे सब फरार हो गए। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ पर कार्रवाई जो है जल्द से जल्द पुलिस कर पाए, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए।